हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल क्रू टेक्निकल। चलिए आज स्टार्ट करते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जो लोगों के दिमाग में हमेशा ही घूमता रहता है कि किसी के एक गाड़ी के एक छोटे से नंबर से उसका मोबाइल नंबर जानना। हाँ फ्रेंड्स, किसी के एक गाड़ी के नंबर से उसका मोबाइल नंबर कैसे जाने, उसके बारे में आज मैं आपको बताऊँगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मज़ा आएगी, तो पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को यहीं से। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउज़र ओपन करते हैं लेना है। चलिए ओपन करते हैं। उसके बाद सर्च में जाइए, सर्च में आपको सर्च करना है परिवहन सेवा। सेवा, उसके बाद परिवहन सेवा पे आपको टैप करना है, ओपन करना है इसको। जब आपका इंटरफेस ऐसा आ जाएगा तो उसको थ्री डॉट, ये डॉट पड़े हैं, इसको ओपन करना है। इसके बाद आपको यहाँ ऑनलाइन सर्विस में व्हीकल रिलेटेड सर्विस पे आपको जाना है, टाइप करना है। उसके बाद पूछेगा आपको व्हीकल रिलेटेड सर्विस में स्टेट आपका पूछेगा कि आपका कौन सा स्टेट है, किस स्टेट की सर्विस आप लेना चाहते हैं, किस स्टेट की गाड़ी का के बारे में आपको जानना है। तो वहाँ से यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है अपना सर्विस। जैसे कि मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ अपना उत्तर प्रदेश, मेरी गाड़ी जो है वो यूपी की है, तो मैं अपना उत्तर प्रदेश सिलेक्ट कर रहा हूँ। जब आप इस पेज पे आ जाएंगे तो आपको देखिए यहाँ पे मांगेगा इंटर व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर। आपको गाड़ी का नंबर तो पता ही होगा, आपको इतने तो दिमागी हो ही यार, आप लोग इतने टैलेंटेड हो यार, तो गाड़ी का नंबर तो आपको पता ही होगा। तो रजिस्ट्रेशन नंबर भी गाड़ी का नंबर ही होता है, जो गाड़ी के आगे पीछे दोनों तरफ लगा होता है, वही रजिस्ट्रेशन नंबर ही आपको यहाँ पे फिल करना है। जैसे कि UP 30, UP 50, UP 50 करके जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर रहता है वो डालना है आपको। जैसे मैं अपना डाल लेता हूँ, और मैं इसको इसलिए हाइड कर रहा हूँ इससे थोड़ा सिक्योरिटी इशू की वजह से। तो आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाल लेना है, गाड़ी नंबर जो कि है। मैंने डाल लिया है। तो उसके बाद आपको प्रोसीड पे क्लिक करना है। प्रोसीड करेंगे आप, उसके बाद आपका पेज ऐसा आ जाएगा, किसकी गाड़ी है, कि गाड़ी के नाम, ऑनर का नाम बताएगा, गाड़ी के किसके नाम पे गाड़ी है, कहाँ की गाड़ी है, वो सब डिटेलिंग यहाँ बताएगा। फिर आपको प्रोसीड कर लेना है। आप अंदर एंटर हो जाओगे, फिर उसके बाद देखिए ये मांगेगा क्या क्या, देखिए इतनी सारी सर्विसेज आपके सामने आ जाएगी, क्या क्या आपको आपको जो भी यहाँ पे करना है, और भी सर्विसेज हैं। तो यहाँ पे योर टैक्स, अपना अपना टैक्स भर सकते हैं वो। अप्लाई फॉर नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हो। आज से पर्टिकुलर के लिए अप्लाई कर सकते हो। मोबाइल नंबर जो गाड़ी में है ऑलरेडी, उसको अपडेट करने के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। बेसिक सर्विसेज हैं, और रिन्यूअल और रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल भी कर सकते हैं, फिटनेस भी अप्लाई कर सकते हैं, विड्रॉ भी कर सकते हैं। चलिए हम मोबाइल नंबर जानने के लिए आपको विड्रॉ ऑफ एप्लीकेशंस पे टाइप करना है, टाइप कर लेते हैं। तो देखिए आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर, और हाँ चेचिस नंबर भी यहाँ मांग रहा है। तो चेचिस नंबर तो आपको पता होगा, वैसे मैं आपको बता देता हूँ जिन लोगों को नहीं पता है। चेचिस नंबर जो हैंडल पे रहता है, गाड़ी का मॉडल नंबर जो रहता है, रजिस्ट्रेशन एक ऑफिशियली नंबर प्लेट तो आपने हटा सकता है, चेचिस नंबर एक गाड़ी का नहीं हटा सकता है, जो कि परमानेंट हमेशा ही रहता है। तो उस चेचिस नंबर को आपको पूरा चेचिस नंबर वो नहीं चाहिए, आपको सिर्फ लास्ट के 5 डिजिट चाहिए उसके। तो आप उस गाड़ी के एक गाड़ी नंबर हो गया और एक चेचिस नंबर, इन दोनों की आपको आवश्यकता पड़ेगी। तो आपको सिर्फ गाड़ी का 5 अंकों का चेचिस नंबर, लास्ट के 5 अंकों का चेचिस नंबर चाहिए। चलिए हम गाड़ी का गाड़ी नंबर भी डाल देते हैं, यहाँ मांग रहा है। उसके बाद लास्ट के 5 अंक का चेचिस नंबर भी डाल लेते हैं, मेरे पास है। सो डिटेल पे क्लिक करते हैं। देखिए आ गया है इसमें, देखिए क्या क्या दे रहा है। ऑनर का नाम दे रहा है, उसका फादर नेम दे रहा है, उसका करंट एड्रेस, कहाँ की गाड़ी है, उसका करंट लोकेशन दे रहा है, मोबाइल नंबर भी दे रहा है। और हाँ फ्रेंड्स, एक बात और भी आपको बता दे रहा हूँ, ये कभी कभी नहीं देता है जब आपका कभी कभी इससे इसमें इशू पड़ता है, तो ये कभी कभी नहीं देता है। तो आप एक और जगह है इसको थोड़ा सा बैक कर देना है, वहाँ से भी आप मोबाइल नंबर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे
तो यहाँ पे आपको टाइप करना है RC पर्टिकुलर्स पे। देखिए आपका मोबाइल नंबर, ये गाड़ी नंबर यहाँ पे पड़ा हुआ है, चेसिस नंबर डालना है, लास्ट के 5 डिजिट जो कि मैंने आपको बताया है, गाड़ी के हैंडल वैंडल पे लिखा रहता है, हैंडल पे ही रहता है और कार पे भी रहता है, तो वहाँ पे लास्ट के 5 डिजिट पे डाल देना है यहाँ पे, फिर वैलिडेट करना है। देखिए मोबाइल नंबर यहाँ पे भी दे चुका है, ये वो मोबाइल नंबर है जो RC में उसके मोबाइल नंबर उसने रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है, और जो गाड़ी ऑनर है उसका ही मोबाइल नंबर है, जिसके भी का नाम पे हो, लड़का हो या लड़की, उसी का मोबाइल नंबर है जिसके नाम पे गाड़ी है। तो चलिए फ्रेंड्स, ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, और भी मैं अपनी बहुत सारी डिटेलिंग के बारे में भी एक और वीडियो में बनाऊंगा। इतने मैंने मेरा बस यही मकसद था कि आपको पूरे प्रोसेस बताऊँ गाड़ी ऑनर का मोबाइल नंबर जानने का। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया आपको फिर से पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा। मैं सभी की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, हर वेबसाइट की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप ध्यान से उस वेबसाइट को वहीं से ही डायरेक्ट खोल सकते हैं, या तो मैंने प्रोसेस आपको बताया हुआ है वैसे खोलिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू, आप थोड़ी सी भी समय थोड़ा सा भी आपके लिए हेल्पफुल वीडियो रही होगी, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सो मच।